अलेक्शन 2023 की आमद आमद है जिसके लिए सियासी जमातों ने सफ बंदी शुरू कर दी है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नून लीग ज़िला जेलम में किस किस उम्मीदवार को टिकट देने जा रही है ज़िला जेलम की कौमी असम्बली की दो और सबाई असम्बली की तीन नशस्तें हैं दो हज़ार अठारह के अलेक्शन में जिला झेलम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवारों ने क्लिन स्वीप किया था जो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा धचका था 2023 के आम इंत के लिए मुस्लिम लीग नून के टिकट के हसूल के लिए कई उम्मीदवार सामने आ चुके हैं जिनमें सर फहरस्त चौधरी फरख अल्ताफ एम एन ए जो दो हजार अठारह के अलेक्शन में पी टी आई के टिकट पर मंतब हुए थे जो सबक वजर अजम इमरान खान के खिलाफ अदम अतमाद के मौके पर पाकिस्तान तहरीक पी टी आई से मुनहरफ हो गए थे मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत ने इन्हें आमदा इलेक्शन में टिकट की यकीन दहानी कराई थी दूसरे उम्मीदवार चौधरी नदीम खादम सबक एम पी ए हैं जिनके वाल चौधरी खादिम हुसैन एन ए छियासठ मौजूदा एन ए साठ से एम एन ए रह चुके हैं जिनको उनके चाने वाले सालारे लश्कर जिला जेलम कहते हैं इन्होंने जेलम शहर में नून लीग का सेक्रट्रियट भी कायम कर रखा है हल्का में काफ़ी मुतहरक हैं तीसरे उम्मीदवार बिलाल अजहर कियानी हैं जो मुस्लिम लीग नून के मरकजी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हैं मरकजी क्यादत के बहुत करीब हैं चौथे उम्मीदवार मैयर मोहम्मद फयाज सबक एम पी ए हैं जो दो दफा एम पी ए रह चुके हैं ये चारों उम्मीदवार एन ए साठ जेलम वन से टिकट के ख्वाहिशमंद हैं एन एकसठ जेलम टू से अब तक सिर्फ एक उम्मीदवार राजा मतलूब मैदी सबक एम एन ए मैदान में हैं हल्का पी पी पच्चीस सुबादीना से राजा अवैस खालिद सबक एम पी ए मैयर मोहम्मद फयाज़ सबक एम पी ए और चौधरी मोहम्मद सकलैन सबक एम पी ए मैदान में हैं हलका पी पी छब्बीस जेलम शहर से चौधरी लाल हुसैन सबक एम पी ए चौधरी सईद इकबाल सबक एम पी ए टिकट के हसूल के लिए मैदान में हैं हलका पी पी सताइस पिंड दादन खान से हाजी नासिर महमूद लीला एम पी ए जिली जनरल सेक्रटरी और कर्नल जायद शेराजी टिकट के उम्मीदवार हैं अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जमीनी हक़ को देख कर इन उम्मीदवारों को टिकट देने जा रही है एन ए साठ जेलम वन चौधरी फरख अल्ताफ एन एकसठ जेलम टू राजा मतलूब मैदी पी पी पच्चीस दीना सुबाबा मैर मोहम्मद फयाज पी पी छब्बीस जेलम शहर चौधरी लाल हुसैन या चौधरी नदीम खादम इसके साथ ही ज़िला नाजम की सीट भी घरमाला ख़ानदान को दी जाएगी जिसके लिए नून लीग में राय है कि चौधरी नदीम खादम ज़िला नाजम के उम्मीदवार होंगे इन तमाम फैसलों पर पार्टी की आला क़ियादत की तरफ से अमल करवाया जाएगा हल्का पी पी सताइस से मुस्लिम लीग नून की आला क़ियादत ने हाजी नासिर महमूद लीला को टिकट देने का फ़ैसला किया है तहसील पिंडादन खान के ज़मीनी हक़ को देखा जाए तो हाजी नासिर महमूद लीला मौजों उम्मीदवार हैं